प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ला जी हाँ 29 के 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते हैं क्लीन स्वीप और छत्तीसगढ़ में एक सीट अभी भी बाची रही गई यानी कि 10 सांसद छत्तीसगढ़ ले बीजेपी ला मिले हैं। अब बात हो जाती है मंत्री कौन बन ही केंद्र ले कावर के अभी तक हमन देखे हैं कि छत्तीसगढ़ ले जो प्रतिनिधित्व तो मिले हैं अटल सरकार में एक बेरा में दो राज्य मंत्री रहे हैं लेकिन जब 2014 के बाद ले सरकार रही से दो पारी के तब एक राज्य मंत्री मिलिस। अब तीन तीन बड़े चेहरा दिखा थे ब्रिजमोहन अग्रवाल विजय बघेल और संतोष पांडे का जातिगत समीकरण हो ही इहू देखने वाला बात है लेकिन अब तो तय हो गए है कि एनडीए के सरकार है प्रधानमंत्री बनना है नरेंद्र मोदी ला शपथ घलो जल्दी जल्दी होना है दिल्ली में काली बैठक है तो चर्चा करते हैं चर्चा के शुरुआत करबो हमारे संग में पहुना मन जुड़ गए हवे उज्ज्वल दीपक जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है जुड़ गए हमारे संग में स्वागत है आपके जोहार। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए है स्वागत आपो मन ला जोहार। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे संग में जुड़ गए है आपो मन के स्वागत है। पहले सवाल उज्ज्वल दीपक जी आपला सुरता हुई कि भारतीय जनता पार्टी के जब गैर कांग्रेस के सरकार बने तो अटल बिहारी वाजपेयी अगुवाई करें और वो बेरा सुरता हुई कि जब छत्तीसगढ़ आए रही तब बोलीस के मोला दे दो पूरा के पूरा सांसद मैं छत्तीसगढ़ बना दू तहां ले छत्तीसगढ़ भी बनाईस और एक बेरा में दो दो राज्य मंत्री घलो दीस हालांकि केंद्रीय मंत्री अभी तक नहीं मिले है। अब माने जाए कि छत्तीसगढ़ ला कुछ बढ़िया मिली तृप्ति जी भारतीय जनता पार्टी के नारा है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे छत्तीसगढ़ राज्य ला भाजपा बनाई से वही सवारी। और जहां तक बात है कि कतका मंत्री पद मिली तो मैं बता दो तोला कि 10 मंत्री पद हमें मिलने वाला है काबर के 10 सांसद है हमर और 10 सांसद मंत्री बराबर रही काबर के हमर सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी और हमर मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी वो सबसे बड़े मिनिस्टर है हमर वो प्रतिनिधित्व करत है और मोदी जी हमारे सियान है और हमन ला सियान के बात ला मानथन सियान जो तय करी छत्तीसगढ़ ला कतका देना है एक ठन देना है दू ठन देना है 10 ठन देना है नहीं देना है जो बोली सब स्वीकार है कावर की हमर 10 सांसद 10 मंत्री बराबर है और हमर कोनो काम नहीं रुका है पूरा देश में छत्तीसगढ़ के विकास आमूलचूर परिवर्तन के साथ हुई थी तुम देख लो एकदम जबरदस्त मोदी जी के हर गारंटी ऑलरेडी पूरा होते और आगे भी हो ही तो 10 मंत्री हमन बना थे छत्तीसगढ़ से ये तो भुलवारे वाला बात हो कि उज्जवल जी नहीं आप अपन कुछ बोलो पर आप बताओ ना कि का रुके हमें ना मंत्री पद की जरूरत का है हाँ। अच्छा सरकार है अच्छा हमें जो मांगो मिली और छत्तीसगढ़ जब 10 सीट दी से छत्तीसगढ़ से तो मोदी जी तो अतका प्रसन्न है जो मांगो हमन हाँ। और बिना मांगे मिली और मोदी जी वैसे भेदभाव नहीं करे और सियान जो है ना हर लड़का के बराबरी चिंता करते हैं कमजोर हो चाहे अच्छा हो चाहे स्वस्थ हो वो चाहते कि हर लड़का चिंता तो अब ओकर मन के करे लगी ना टीडीपी के नीतीश कुमार के नायडू जी के सबके चिंता करे लगी मतलब सियान मोदी जी हवा यार हाँ। काबर के उमन चुने हैं हाँ। दो दिन पहले बैठक में मोदी जी ला उमन सियान चुने हैं लीडर चुने हैं एनडीए गठबंधन के और काम ला तो मन जानते हो कैसे काम करते हो स्टाइल अलग रहते हो अब विष्णु देसाय जी है यहाँ बढ़िया ठकाठक काम हुई चिंता मत करो यहाँ ठीक है। सुरेंद्र जी यही आप मन सोचा था का ठकाठक काम हुई अभी तो साए साए और ठकाठक दोनों जुड़ गए हैं मतलब यह कि विपक्ष ला कोनो बोले बताए के मौका नहीं मिली काबर के अभी तो आप मन बड़े बड़े नेता उतारे रहे हो ते घलो नहीं जीत पाई तक का बोलू आप मन का अपेक्षा रखू तृप्ति जी सबले पहले तो जम्मो जे नवा जीत के आए सांसद सबो ला बधाई और जेन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चरित्र है ये ठट्ठा मड़ाए के उदिन फिर शुरू हो गए हमारे 10 के 10 सांसद है मंत्री बरोबर रही अब यहाँ के राज्य के मंत्री मन घलो काम कर ही दो बेर के सांसद रही भाजपा ला इसने बहुमत 2014-19 में घलो मिले रही बता दे भारतीय जनता पार्टी के सांसद मन के निष्क्रियता के जन तकलीफ है तेन छत्तीसगढ़ के जनता भोगे है चाहे वो ट्रेन निरस्त करे के बात हो चाहे नंदराज पर्वत ला डबल इंजिन के सरकार में जिसे पहले दिस अब साय साय हसदेव के जंगल कटा थे कमर्शियल माइनिंग शुरू हो गए एनएमडीसी और कोल इंडिया लिमिटेड के खदान ला अपन मित्र ला दे थे एनएमडीसी के नगरनार प्लांट ला तो कहे इस ना मोदी जी है कि नहीं बेचना दीपम के साइड में काबर सेल लगा के रखे तो बता दे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हम लोग एक ना बात कह होना चाहूँ मैं हाँ छत्तीसगढ़ में तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है लंबा लाइन खींच दे प्रधानमंत्री जी ने 4 गुना ज्यादा लीड के कैबिनेट मंत्री तो निश्चित तौर पर बनाना चाहिए कम से कम 3 सांसद ला यहाँ से मंत्री बनाना चाहिए सामाजिक जन ये मन बात करते सामाजिक न्याय भी ये बात के इजाजत देते कि छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक आबादी जो है 50% से ज्यादा ओबीसी है दूसरा बार जीते है दुर्ग के सांसद बघेल जी है विजय बघेल जी है
वही तरह से आदिवासी बहुत। लेकिन आप सुनता है क्या सुरेंद्र जी के छत्तीसगढ़ तो पहले से ही 10 के 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी ला देता था ता आप ला सुनता है कि 2004 में यूपीए की सरकार बनी रही से तब एको मंत्री नहीं रही छत्तीसगढ़ ले। देखो छत्तीसगढ़ की 2011 में चरणदास महंत ला मौका मिले जो 2014 से लेके 2000 देखो छत्तीसगढ़ ला जो मिले है ना पहले देखो चौथा नंबर में दूरदर्शन के केंद्र जो है ना कब खोले रही है रायपुर में जब विद्याचरण शुक्ला जी मंत्री रही है यहाँ के सबसे बड़े बांध जो है धमतरी के गंगरेल बांध वो कौन शासन काल में बनी यू आप देख लो जितना बड़े काम हो है चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हो चाहे विकास के हो चाहे खेती बाड़ी के सिंचाई के हो वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए है भाजपा के नेता मन है केवल दलित चाटुकारिता में माने इशारा ये बात के बाबूलाल शर्मा जी अविभाजित मध्य प्रदेश रही से तभी छत्तीसगढ़ के नेता में ज्यादा ताकतवर रही का और अब ज्यादा नहीं चला है का। नहीं ऐसे बात नो है ये तो कयास है हमेशा छत्तीसगढ़ के ताकत जन है यहाँ के नेतावन के ताकत हमेशा रही से हमन तो बहुत पुराना समय से देखत आतन कि कोई न कोई यहाँ ऐसे मजबूत नेता रही थे जिन्हें मध्य प्रदेश कार्यकाल के दौरान में मध्य प्रदेश जैन कहते ही ते ही काम होती है वो तो हो रहती यहाँ होती ऐसे मजबूत नेता मतलब हम देखे ऐसे नहीं है। सत्यनारायण शर्मा रही से जोन कहते न अर्जुन सिंह यहाँ करे बोला यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बोलना शुरू कर रही है तो ऐसे नहीं है यहाँ ताकतवर नेता है ऐसा नहीं है कद काठी बढ़िया है सबके बढ़िया है सब लोग सीजनड है सब मन अनुभवी है ऐसे नहीं। लेकिन ये दारी जो है तीन ऐसे बड़े नेता आई ने जीत करके विजय बघेल संतोष पांडे और ब्रिजमोहन अग्रवाल अब जातिगत समीकरण देखवे तो अब ये सामान्य दृष्टि से आते अग्रवाल हर पांडे जी भी सामान्य से आते एक विजय बघेल पूर्वी सीट से आते और भारतीय जनता पार्टी ये तीनों में से कोई एकला बनाई ऐसे मोला लगा थे मोला व्यक्तिगत समझ बना थे चाहे तो ब्रिजमोहन अग्रवाल बनाए चाहे संतोष पांडे बनाए। ब्रिजमोहन अग्रवाल जो है बहुत सीजनड नेता है अनुभवी है प्रशासनिक अनुभव का लंबा है बोला मालूम है कैसे शासन चलाना तो ओकर बने से प्रदेश का फायदा हुई ऐसे मैं व्यक्तिगत विचार ला रखत हूँ। और जहां तक सवाल है विजय बघेल के विजय बघेल का दावर है सीधे साधे है और पार्टी के कहे से जो है भूपेश बघेल से लड़के रही से जो जैसे पार्टी कही से वैसे करी वो हिसाब से दूसर बार जीते फिर ताकत से जीते है अच्छा वोट से जीते है वो हिसाब से जाति के हिसाब से तो ये सारे काबर के कुर्मी वोट जो यहाँ ज्यादा है तो वो हिसाब से ओकर वजन बढ़ जाते। और तीसर में संतोष पांडे तो संतोष पांडे जिन है अमित शाह और मोदी जी के करीबी बताते हैं लोगन मन की एकदम करीबी है ओला वो जान दोनों मन जानते पहचानते हैं ओला चिन्हते तो ये सब बात देख करके एक मंत्री बनना तय है ये मान ले तीन में से बने चाहे भारतीय जनता पार्टी की जिन तरीका है अचानक चौंकाने वाला वो का जानी वो रायगढ़ के राधे राष्ट्रीय बना दी पहली बार जिन सांसद बने कोई बड़े बात नहीं हुए तो ये लिए जो है कयास लगाना अली कयास लगाना है कि कोई भी मंत्री बन सकते। ठीक है उज्जवल जी अभी तक हम देखें 2014 और 2019 आदिवासी वर्ग के सांसद ला केंद्र में मौका मिलिस लेकिन अब जब राज्य में आपन आदिवासी मुख्यमंत्री दे दे हो आपका कन आदिवासी मंत्री मंडला दे दे हो तो लगते है आपला कि अब जनरल ओबीसी के पारी आही केंद्र में। देखिए भाजपा ना रीति नीति वाले पार्टी है काडर बेस्ड पार्टी है संगठन बहुत ताकतवर होते होकर और बहुत सारा फैसला ना बहुत सारा समीकरण ला ध्यान में रख के ले जाते और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मोर भाई ला बोलना चाहूँ कि अभी 5 साल पहले ओकर सरकार रही मौका मिली रही 3 जनला राज्यसभा भेजे के तीनों भारी भेजे सोमन मोला तो नाम भी याद नहीं राजीव शुक्ला के बाद नाम याद है काबर के बचपन से देखा था मोला पत्रकार रही खेल चल पत्रकार रही करके बाकी दोनों का नाम भी नाम घलो के याद नहीं है और का कंट्रीब्यूशन रही का योगदान रही भारत राज्य में कतका बार आई सोमन चुनाव टाइम पे आगे बोला कुछ नहीं पता है ये मन ला दूसरे घर में नहीं जाना झांकना चाहिए भाई कि काला बनाना चाहिए काला नहीं बनाना चाहिए ओमला बस बधाई देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ला तो काबर की जब ओमन ला मौका मिली भय भ्रम भ्रष्टाचार और सबसे बड़े नेता जो मतलब मानते कि स्टार प्रचारक है भूपेश बघेल वो खुद हार गए हैं
शिव डेहरिया हार गए, विकास उपाध्याय हार गए, देवेंद्र यादव हार गए, कवासी लखमा जन का जन सब बड़े बयानबाजी करी सब हार गए। मतलब अपन घर ला देखना चाहिए और भाजपा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मोदी जी हमारे सियान ने फैसला कर ली छत्तीसगढ़ पर, हमें मन बनाए हैं, हमें मन सब हार वो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे बोले हो ना, अच्छा कहावत है छत्तीसगढ़ी में, घर के जोगी जोगड़ा आन जाओगे सिद्ध। पर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ना, हमारे यहाँ के हर जोगड़ा सिद्ध है, हमारे गांव के जोगड़ा सिद्ध है। हमन बहुत फख्र करथन अपन भर, अपन सांसद बन मन भर, और मन अच्छा काम करी और उमन जो काम बोली छत्तीसगढ़ पर तुरंत अप्रूवल हुई, तुरंत सिग्नेचर हुई फाइल में। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं कांग्रेस ला। और डबल इंजन की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, पिछला 5 साल में जब का घाटा हो ना छत्तीसगढ़ ला, मतलब पूरा रिकवर कर हमन खबर की। पिछला 5 साल में अगर मोदी जी सेंटर में और हमारे यहाँ भाजपा सरकार रहती तो आप मन देखते हो का काम होती थी यहाँ। एम्स, IIM, IIT सब कौन लाए? हमन लाए नहीं है। कांग्रेस का ग्रीस एक ठो इंस्टीट्यूशन नहीं लाई, मात्र इंस्टीट्यूशन लाई नकली होलो का नाम बनाए वाला। और जो एक इंस्टीट्यूशन है संवैधानिक PSC वाला खत्म कर दी, नौकरी बेच बेच के और कोयला में पूरा बिजी रहे मन। तो कोई चिंता नहीं है मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के, बोले हमन में छोड़ दे भाई, हमन कर ले वो अच्छा काम है। ठीक है, तो मतलब ये है कि बीजेपी जब का काम करना चाहत रही से, सुरेंद्र जी आप मन भले ही आरोप लगात रहे हो कि निष्क्रिय सांसद है कुछ कहा ही नहीं, तो आप मन कद का सूर्य आए बीजेपी के सांसद मन ला कि भाई काम ले आओ मिलजुल के करबो अपन कार्यकाल। केवल एक ठन काम करे है छत्तीसगढ़ के संसाधन ला बेचे के काम अपन मित्र करा। वो देखो दली चाटू कार्यता में जब जब सवाल उठाना रही छत्तीसगढ़ के हित में, एक सांसद मन मौन रही और बार बार मन यही बात लगे थे कि अमन बनाए हैं हम, संवारबो हमन बनाए हैं। अरे पढ़ लो संविधान, राज्य निर्माण के प्रक्रिया जो है वो विधानसभा से शुरू होते। दिग्विजय सिंह जी के सरकार रही जब छत्तीसगढ़ अलग हुई, जब विधानसभा के प्रस्ताव भेजे गई तेकर बाद में राज्य निर्माण होते। तो ये बन सही बात ला ये मन कबूल करते कि एक पार्टी के सबूत जो बड़ा है मोदी के इशारे में सरकार नहीं बना दी विधानसभा करते तो दिग्विजय सिंह कभी नहीं चाहते अलग होकर 2014 से कभी नहीं चाहते ऐसा बात नहीं हो। अब ये अहंकार मन के राज खत्म हो गए। ठीक है सुरेंद्र जी बोल लो अपन बात ला बोल लो अब कौन कर। हां सुनो ना सुनो, उत्तर प्रदेश में राजनाथ ला खत्म करे, छत्तीसगढ़ में रोहन सिंह ला खत्म करे किनारे लगाएगी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ला किनारे लगे, महाराष्ट्र में गडकरी ला किनारे लगे, अब एक मन के अवतारी किनारे लग गए। चिंता है नहीं मन ला दूसरे के घर में जाते थे। आपके नेता मन के का हुई ये सोचे हो का? भूपेश बघेल, शिव डहरिया, ताम्रध्वज साहू ये सब भी किनारे लग गए लग जाएगी का? अटल अडवाणी खेले चुनाव हारे, भूपेश बघेल कद्दावर नेता है, जन जन के हृदय में बसे, चुनाव हारे से नेतृत्व होकर खत्म नहीं हुए। और चुनौती दे के काम छत्तीसगढ़ के नेता मन भाजपाई मन से अभी भी कोनो मामला में पीछे नहीं है। और ये मल्ला ठीक है, आप जब छत्तीसगढ़ राज्य के गोट करे हो आप मन तो एक कन में, हाँ एक कन में बाबूलाल शर्मा जी से पूछ लेते हो। बाबूलाल शर्मा जी जिन हमन सुने हन, जिन सियान मन बताए हैं, बाबूलाल शर्मा जी आखिरी बात कर रहा हूँ आपसे, सियान मन बताए कि शुक्ल बंधु दिग्विजय सिंह ये अविभाजित मध्य प्रदेश के बेनामा छत्तीसगढ़ ला बनने में विकट थोड़ा थोकिन परेशानी हुई से, तका यही माने जाए कि 10 के 10 सीट छत्तीसगढ़ के जनता एकरे से ती दे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी वादा कर रही से और बना दिस। नहीं देखो अटल बिहारी वाजपेयी बोले रही से बोला 11 सीट तो मैं छत्तीसगढ़ बना दू लेकिन 10 सीट आ रही से ओकर बाद भी जेन है वो उदारता पूर्वक जेन है वो छत्तीसगढ़ ला बनाई बिना मांगे बनाई, बिल्कुल बहुत बड़ा आंदोलन करना नहीं पड़ी सोकर बार आराम से हमन ला जो है वो मिली से साथ में हमर साथ में बल्कि तर गए उत्तराखंड और उधर झारखंड तर गए। तो वो बात ला मानना पड़ी अटल बिहारी वाजपेयी के निर्णय बहुत महत्वपूर्ण रही से और छत्तीसगढ़ के अस्तित्व ओकरे खातिर आए है वही। लेकिन माफी के संग रोकना चाहता हूं आपला बेरा सिर आगे तेकर जती, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के निर्णय एक और महत्वपूर्ण रही से कि एक बेरा में डॉक्टर रमन सिंह भी राज्य मंत्री रही से, रमेश बैस भी रही से, एक बेरा में रमेश बैस भी राज्य मंत्री रही से, दिलीप सिंह जुदेव भी रही से, अब अभी का होते ये देखना होगी। धन्यवाद आप सबों के हमारे संग जुड़े पर, देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।